समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। सोवियत काल के दौरान रूस के बेड़े के युद्धपोत नियमित रूप से परमाणु हथियारों के साथ समंदर में लंगर डालते थे। अब 30 साल बाद पहली बार रूस फिर उसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है। सवाल है, क्या रूस के सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान के संकेत दे रहे हैं? क्या ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है? ऐसे में सवाल है, क्या उसी युद्ध को ध्यान में रखकर पुतिन ने इसी साल अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को मैदान जंग में उतारने का ऐलान किया है? जंग के दौरान कहां रहते हैं ज़ेलेंस्की? पुतिन के मिसाइल अटैक से कैसे बचते हैं ज़ेलेंस्की? कहां है ज़ेलेंस्की का प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर? ज़ेलेंस्की के बंकर का पहला वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को एक साल बीत चुका है और ये जंग थमने के बजाय और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन जंग के अलग अलग वॉर फ्रंट पर रूस के मिसाइल हमले भी तेज होते जा रहे हैं। एक साल बीत जाने के बावजूद पुतिन की फौज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कोई नुकसान तक नहीं पहुँचाई है। यकीनन इस सवाल का जवाब जानने की ख्वाहिश हर किसी के मन में होगी कि आखिर ज़ेलेंस्की पुतिन के मिसाइल अटैक से अब तक महफूज कैसे हैं और पिछले एक साल से यूक्रेन में जारी आपातकाल के दौरान ज़ेलेंस्की अपना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहां से चला रहे हैं। तो इसका जवाब है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये तमाम काम एक बंकर से कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के उसी बंकर का एक्सक्लूसिव वीडियो है। टेबल पर रखा एक फाइटर जेट का शोपीस, एक जंगी युद्धपोत का मॉडल। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को अपने उस छोटे से बंकर से रूबरू करवाया जहां से वो अपना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर चला रहे हैं। इस बंकर में उनका वर्किंग टेबल रखा है और इसके साथ ही उनका एक छोटा सा बेडरूम है जिसके साथ एक छोटा बाथरूम अटैच है। उनके बेडरूम में एक सिंगल बेड है जिस पर वो आराम करते हैं। इस बंकर में उनका एक वार्डरोब भी है जिसमें उनके खाकी मिलिट्री फटीक और जूते रखे हुए हैं। उनके वार्डरोब में सूट भी रखे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो ये सूट तब पहनेंगे जब यूक्रेन जंग जीत जाएगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से वो इसी बंकर में रह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बंकर है कहाँ, जहाँ वो पिछले एक साल से अपने परिवार यानी अपनी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का, बेटी अलेक्जेंड्रा और बेटे किरिल से दूर अकेले रहते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बंकर यूक्रेन के राष्ट्रपति निवास यानी बनकोवा के नीचे एक तहखाने में बना है। ज़ेलेंस्की के बंकर की हिफाजत के लिए इस बंकर के चारों तरफ मोटे स्टील की एक परत भी है। बंकर के बेडरूम की दीवार पर एक टीवी लगा है। इसके अलावा उन्होंने इस बंकर में अपने परिवार की एक फोटो भी रखी हुई है। आइए अब आपको ये बता